क्या नाम हुआ? कृष्णा वर्मा। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 12th। कैसा पढ़ा होता है आप? बहुत बढ़िया। मैथ से है या बायोलॉजी से? मैथ्स। मैथ से है। देखिए लड़कियां में मतलब मैथ से बहुत कम रहते हैं, मैथ से है। फिजिक्स कैसे पढ़ाते हैं? बहुत बढ़िया। निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगाया जाता है? निकट दृष्टि इंग्लिश में पढ़ देना। निकट दृष्टि मीन्स क्या? मतलब नियर, नियर आई मतलब अथी में मायोपिया में, मायोपिया में कनकेव। कनकेव अवतल। निकट से तो तीन अक्षर का दोष में चार अक्षर का होगा। हां। दूर दृष्टि दोष में कन्वेक्स, कन्वेक्स लेंस। हां मतलब उत्तल लेंस। हां आप देख सकते हैं 12th में 2022 में 526 बच्चे हैं जो मतलब फर्स्ट डिवीजन खाई लाए हैं। और देखिए यहाँ पर अर्जुन कुमार हैं जो 472 अंक लाए हैं और बिहार टॉपर हुए हैं। क्या नाम? प्राची कुमार। कौन से क्लास में? 12th। इस बार एग्जाम दीजिएगा। कैसा पढ़ाते हैं सर? अच्छा पढ़ाते हैं। हर दो कदम बाद किनारा होगा, जरा सोचो कितना खूबसूरत नजारा होगा। हर दो कदम बाद किनारा होगा, जरा सोचो कितना खूबसूरत नजारा होगा। विकास यादव सर जो कहते हैं वो कहना, जो तुम चाहोगे तुम्हारा होगा, तुम्हारा होगा। लगाइए। क्लास चल रही थी मतलब फिर चल रहा है? क्या चल रहा है? सेट बना रहा। सेट बना रहा है। यस। पुत्र वियोग कविता के लेखक सुभेदार कुमार चौहान। कैसा तैयारी है? बहुत अच्छा। रेगुलर क्लास करते थे? यस सर। बायोलॉजी से या मैथ से? बायोलॉजी। बायोलॉजी से है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? अगर जो बच्चा मतलब पढ़ने में ठीक है तो यहाँ आएगा तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। नहीं ठीक है तो? नहीं मतलब फिर भी उसका भी रिजल्ट अच्छा होगा सब, मतलब कि फर्स्ट डिवीजन सबका होगा। फर्स्ट डिवीजन होगा। चलिए निकलिए, एक बताई लगाइए सभी के लिए, फर्स्ट डिवीजन के लिए बात कर रहे हैं। जय हिंद। मैं हूं प्रद्युमन यादव और आप देख रहे हैं ग्रेजुएट न्यूज। अभी हम इस वक्त मौजूद है विकास यादव कोचिंग सेंटर गया में, डेल्हा गया में पढ़ता है और अभी विकास कोचिंग सेंटर के हम ऑफिस में है। और यहाँ पर अभी हम एक बैनर को देखें जिसमें लिखा हुआ है 8, 9, 10, 11, 12 सभी मतलब सभी सब्जेक्ट की यहाँ पर पढ़ाई होती है। और यहाँ पर देख सकते हैं 12th में 2022 में 526 बच्चे हैं जो मतलब फर्स्ट डिवीजन खाई लाए हैं। और देखिए यहाँ पर अर्जुन कुमार हैं जो 472 अंक लाए हैं और बिहार टॉपर हुए हैं ये। अब क्या इसका पूरा सच्चाई है, मतलब ऐसी खाली लिखा हुआ है कि मतलब सचमुच में पढ़ाई होती है? देखिए यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, बच्चों से हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे क्योंकि बच्चे ही बताएंगे क्या पूरी सच्चाई है। देखिए यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, लगता है अभी टेस्ट उठ दे रहे हैं। थोड़ा सा क्या नाम हुआ? ऋषभ कुमार। खड़ा हो जाइए। टेस्ट चल रहा है अभी? जी हाँ। कौन से क्लास में? 12th। इस बार एग्जाम दीजिएगा? यस। कैसा तैयारी है, मतलब कैसा पढ़ाई सब ठीक चल रहा है? मतलब कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ाते हैं सर? सर ऑल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। ऑल सब्जेक्ट, जैसा कि हम लिखा देख रहे हैं कि सभी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। यस बिल्कुल सही है। बिल्कुल। हिंदी का टेस्ट दे रहे हैं? हिंदी का टेस्ट दे रहे थे। ओ गांव के घर कविता के रचयिता कौन है? गांव के घर का रचयिता है विनोद कौर सुख ने, ज्ञानपति। ज्ञानपति। जायसी किस शाखा के कवि है? जायसी, जायसी प्रेम, प्रेम प्रेम मार्गीय। पुत्र वियोग कविता के कवि कौन है? सुमित्र नंदन पंत, सुमित्रा नंदन। पुत्र वियोग पुत्र सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान। कैसा सर पढ़ाते हैं, मतलब ऑल सब्जेक्ट? सर ऑल सब्जेक्ट पूरा अच्छा से पढ़ाते हैं। कौन थी, बायोलॉजी से है कि मैथ से है? हम बायोलॉजी से। बायोलॉजी से है। जी हाँ। थोड़ा सा इधर आने दीजिए, एकदम देखिए पीछे बैक बेंचर है, सभी लगता है मतलब न्यूटन उन्टन जैसा मतलब बैक बेंचर है। क्या नाम हुआ भैया? पंकज सर। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 12th। देखिए टेस्ट चल रहा है इन लोग का। थोड़ा सा रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? अगे जी। प्यारे नन्हे बेटे के कवि कौन है? प्यारे नन्हे बेटे विनोद कुमार शुक्र। गांव के घर कविता के रचयिता? ज्ञानपति। बहुत अच्छा। आप तो इस पर मतलब एग्जाम दीजिएगा, क्या उम्मीद लग रहा है? हाँ ऐसा तो है। अच्छा
भगवान से मेरा भी शुभकामना है कि अच्छे नंबर आप लोग का आए। और देखिए ये गया का मतलब नंबर वन कोचिंग, मतलब इसको बच्चे बताते हैं, मतलब हम नहीं बच्चे बता रहे हैं कि मतलब नंबर वन कोचिंग है। अब क्या इसका पूरा सच्चाई है तो बच्चे ही बताएंगे। देखिए कुछ इधर मतलब लड़कियां भी हैं, देखिए टेस्ट दे रहे हैं। खड़ा हो जाए। क्या नाम हुआ? सुहानी कुमारी। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 12th। इस बार एग्जाम दीजिएगा? यस सर। कैसा तैयारी है? बहुत अच्छा। रेगुलर क्लास करते थे? यस सर। बायोलॉजी से या मैथ से? बायोलॉजी। बायोलॉजी से है। इधर भी एक लड़की है, खड़ा हो जाइए। क्या नाम है? साक्षी कुमारी। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? क्लास 12th। इस बार एग्जाम दीजिएगा? हाँ। कैसा तैयारी है? अच्छा चल रहा है। बायोलॉजी से है या मैथ से है? मैथ से। मैथ से है। मैथ से है। ए प्लस बी का होल क्यूब बताइए। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए बी। ए क्यू प्लस ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब। एक एक ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस थ्री ए बी। थोड़ा सा गलती हो रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? बढ़िया से बताइए, घबराइए नहीं। ए प्लस बी और फिर ए माइनस बी तो प्लस। बहुत अच्छा, बैठिए। देखिए इधर भी एक लड़की है, थोड़ा सा खड़ा हो जाइए। क्या नाम हुआ? प्राची कुमारी। कौन से क्लास में? 12th। इस बार एग्जाम दीजिएगा। कैसे पढ़ाते हैं सर? अच्छा पढ़ाते हैं। झूठ उन्होंने बोल रहे हैं कि मतलब ऐसे अच्छा बोल रहे हैं। पढ़ाते हैं। हाँ, तैयारी तो पूरा हो चुका होगा। अभी क्या कर रहे थे? हिंदी का सेट चल रहा था। हिंदी का अभी सेट चल रहा था। क्लास मतलब कोर्स खत्म हो गया है? हाँ। बायोलॉजी से है कि मैथ से? बायो। बायो से है। इधर ये थोड़ा सा खड़ा हो ये। क्या नाम हुआ? कृष्णा वर्मा। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 12th। कैसा पढ़ाया होता है आप? बहुत बढ़िया। मैथ से है या बायोलॉजी से? मैथ्स। मैथ से है। देखिए लड़कियां में मतलब मैथ से बहुत कम रहते हैं, मैथ से है। ए माइनस बी का होल क्यूब। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस थ्री ए बी थ्री ए माइनस बी का होल क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी स्क्वायर माइनस थ्री ए थ्री बी ए स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। हाँ, मिस्टेक हो गया था। अच्छा फिजिक्स विजिक्स कैसे पढ़ाते हैं? बहुत बढ़िया। निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगाया जाता है? निकट दृष्टि इंग्लिश में पढ़ देना। निकट दृष्टि मीन्स क्या? नियर नियर आई मतलब थे में मायोपिया में। मायोपिया में कनकेव। कनकेव अवतल। निकट से तो तीन अक्षर का दोष में चार अक्षर का होगा। हां। दूर दृष्टि दोष में कन्वेक्स कन्वेक्स लेंस। हां मतलब उत्तल लेंस। हां इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, इसलिए अभी कंफ्यूज हो रहा है। लेंस का मतलब क्षमता कैसे मात्रा का होता है? डायोप्टर। डायोप्टर ये बहुत अच्छा है, बैठ जाइए। देखिए काफी अच्छा जवाब दे रहे हैं और ये सभी 12th के मतलब बच्चे हैं जो इस बार एग्जाम देंगे। देखिए यहां पर भी एक लड़की है, खड़ा हो जाइए। क्या नाम हुआ? खुशी कुमारी। इस बार आप लोग एग्जाम दीजिएगा। हाँ। तैयारी हो गया पूरा? हाँ। कैसा पढ़ाते हैं सर? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मतलब आप लोग तो मतलब पढ़ गए हैं, मतलब अब निकल रहे हैं, तो कैसा मतलब आप लोग को पढ़ने में लगा? बहुत अच्छा लगा हम लोग को पढ़ने में। अच्छा आने वाले सेशन के बच्चों को क्या कहना चाहते हैं? वो यहाँ सर तो बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं, अगर जो बच्चा मतलब पढ़ने में ठीक है तो यहाँ आएगा तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। नहीं ठीक है तो? नहीं मतलब फिर भी उसका भी रिजल्ट अच्छा होगा, सब मतलब कि फर्स्ट डिवीजन सबका होगा। फर्स्ट डिवीजन होगा। चलिए निकलिए, एक बताइए लगाइए। देखिए सभी के लिए फर्ज के लिए बात कर रहे हैं। अच्छा आपका क्या सपना है कि मतलब आगे चलकर क्या बनने का सपना है? आपका भी कोई सपना होगा कि पढ़ के? यस बनने का सपना तो है, अभी तो हम मतलब लैंग्वेज का तैयारी कर रहे हैं, तो आगे जाके मतलब हमको लैंग्वेज में ही करना है। लैंग्वेज में ही करना है। कहां से बिलोंग करते हैं? हम लोग मतलब गैम ही रहते हैं, धनिया बगीचा। कथी मतलब कौन सा थीसे है, क्या है मतलब? बायोलॉजी है, मैथ है? मतलब मेरा तो बायो, पर बायो नहीं मेरा मैथ्स, मतलब मैथ ठीक है फिर भी बायो उतना अच्छा नहीं है मेरा। कौन सा साथी से है, मतलब बायोलॉजी से है कि मैथ्स से? बायो से है। बायो से है। केमिस्ट्री में दो क्वेश्चन पूछते हैं, धोवन सोडा का सूत्र क्या होता है? धोवन सोडा का धोवन सोडा का हमको याद है Na2 थोड़ा सा। अच्छा ब्लीचिंग पाउडर बता दीजिए। NaOH। अच्छा नमक का बता दीजिए, साधारण नमक का? NaCl। NaCl। निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगाया जाता है? निकट दृष्टि दोष में अवतल। अवतल लेंस। चलिए बहुत अच्छा, बैठ जाइए। देखिए काफी अच्छा जवाब दे रहे थे और फिर अंत में जाते जाते सर से मिल लेते हैं। सर 12th के भी बच्चे हैं, मतलब इस बार एग्जाम देंगे सर, काफी अच्छा जवाब दे रहे हैं सर, कैसे पढ़ाते हैं सर? एक बार आपसे पूछ रहे हैं सर। बस
यही है जो सिलेबस है उस सिलेबस को सही ढंग से पढ़ाया जाता है और बिल्कुल साधारण भाषा में, जिसको आप बोल चाल में देहाती भाषा बोली। चलिए सर, जाते जाते एक बार बच्चों के लिए मोटिवेशन बोल दीजिए। सर, बच्चों को तो हमेशा हम यही कहते हैं कि हर दो कदम बाद किनारा होगा, हर दो कदम बाद किनारा होगा, जरा सोचो कितना खूबसूरत नजारा होगा। हर दो कदम बाद किनारा होगा, जरा सोचो कितना खूबसूरत नजारा होगा। विकास यादव सर जो कहते हैं वो कहना, जो तुम चाहोगे तुम्हारा होगा, तुम्हारा होगा। देखिए तमाम उधर देखिए बैनर वाला लगा हुआ है और सभी बैनर मतलब जो लिखा हुआ है वही मतलब यहाँ पर किया जाता है। जैसा कि बच्चे बता रहे हैं कि मतलब जो भी लिखा हुआ है बिल्कुल सही है। जैसा कि आप लोगों को बैनर में देखें कि जैसा कि लिखा हुआ था कि मतलब ट्वेल्थ में एक बच्चा थे जो मतलब 472 नंबर लाए थे, वहीं से निकले थे। और इन सभी के साथ ही मेरा भगवान से शुभकामना है कि इन सभी भी अच्छे नंबर लाएँ और अच्छे नंबर से पास करें। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और एक बार आकर यहाँ पर देखिए कैसा पढ़ाई होती है। अगर अच्छा लगता है तो यहाँ पर आप लोग पढ़िए। मेहताब के साथ प्रद्युमन यादव, जय हिंद।